हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोया बाय M1 माइक को। ये माइक को मैंने अमेजोन से मंगवाया है। इसकी कीमत मुझे पड़ी है 1800 के आसपास। टेक्निकल गुरुजी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस माइक का यूज़ करते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह दिखता है। बॉक्स के सामने बाय M1 ब्रांडिंग दिया है और माइक का फोटो दिया है। बॉक्स के साइड में लिखा है कि एक कैमकॉर्डर्स, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डर्स, पीसी, स्मार्टफोन्स, DSLR में कनेक्ट हो सकता है। बॉक्स के पीछे इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह खुलता है। बॉक्स के अंदर एक पाउच है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, और इसके अंदर एक नोटिस और एक मैनुअल गाइड है। नोटिस में लिखा है कि अगर आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन मोड पे कीजिए, अगर आप कैमरा से करना चाहे तो कैमरा मोड पे कीजिए। मैनुअल गाइड का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये बहुत सिंपल डिवाइस है। पाउच बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्योर लेदर से बनाया है। आगे इसका ब्रांडिंग है बोया करके। पाउच कुछ इस तरह खुलता है। पाउच के अंदर एक चीज़ है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और ये हमारा माइक। ये माइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 20 फीट वायर है। इससे आप कितना भी दूर रुक के ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रहा इसकी वो नोटिस में लिखा था ना, वो इधर करना है, स्मार्टफोन और कैमरा मोड। ये इसका क्लिप। ये क्लिप के वजह से आप अपने टी शर्ट या कॉलर पे लगा सकते हैं माइक को। ये है इसका पॉप फिल्टर। ये पॉप फिल्टर आप माइक के ऊपर लगाने से बैकग्राउंड नॉइस चली जाती है, ऐसा लगाना पड़ता है इसे। ऐसा लगाना है इसे ऊपर। अभी ये माइक अपने कॉलर पे लगाओ। और इसके अंदर एक एडाप्टर है जिसके वजह से हम लोग बड़े बड़े DSLR और बड़े बड़े साउंड सिस्टम में लगा सकते हैं। ये इस माइक की ऑडियो टेस्ट में लास्ट में दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद। हेलो दोस्तों, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो बोया बाय M1 माइक से मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है। पहले का ऑडियो मैंने मेरा मोबाइल का इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ये स्मार्टफोन में उतना अच्छा ऑडियो क्लैरिटी नहीं दे पाएगा, लेकिन DSLR में बहुत अच्छा देगा। मैं स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए ये स्मार्टफोन में उतना अच्छा ऑडियो नहीं दे रहा। अगर आप DSLR यूज़ किए तो DSLR में बहुत अच्छा ऑडियो देंगे। थैंक यू।